ओके नाउ गाइस, अल्कोहल फिनॉल्स एंड इथर्स, अगर एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा है तो इट इज़ नोन एज एन अल्कोहल, इट इज़ नोन एज एन अल्कोहल, एंड द नेम बिकम्स एल्केन ओल। अब अगर ये आपके सफिक्स में है तो ओल होगा, अगर ओल से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ गया लॉन्ग चेन में तो अल्कोहल का ये वाला जो है दैट विल गो इन आवर प्रीफिक्स, एंड व्हेन इट गोज इन द प्रीफिक्स ये एग्जैक्टली इट इज़ नोन एज अ हाइड्रोक्सी। ओके फिनॉल्स बेटा, फिनॉल्स में जो है, फिनॉल्स में हमारा ये है ऐसे OH, बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो इट इज़ नोन एज फिनॉल्स। अब जो मेन परेशानी ज़्यादातर लोगों को आती है दैट इज एन इन अ इथर। नाउ इथर इज एन एल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन एंड अनदर एल्काइल ग्रुप। नाउ इथर इज ऑफ टू टाइप्स, दिस गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो सो दैट इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द राइटिंग। नाउ व्हेन यू हैव योर इथर लाइक दिस द दे आर बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके there are two types of ethers, one is known as a symmetric ether and one is known as a unsymmetric ether. Symmetric ether mein kya hota hai, dono side ka jo alkyl group hai wo same hai, jo unsymmetric ether hai dono ka same hai, jo unsymmetric ether hai usme dono mein side mein jo alkyl group hai different hai. The name is given as alk ऑक्सीएल्केन, ठीक है, ऑक्सी इज फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी इज फॉर द ऑक्सीजन। अब यहां पे दो जगह बेटा एल्क है, ये एक एल्क है, ये एक एल्क है, कौन सा एल्क लॉन्ग चेन होगा, कौन सा एल्क शॉर्ट चेन होगा, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन हो वो एल्क ऑक्सी के साथ आएगा, और जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो वो एल्केन के साथ आएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ CH3O CH3, इज इट अ सिमेट्रिकल इथर और एन अनसिमेट्रिकल इथर? ठीक है, so we have one carbon here, one carbon here, so both of them will be meth only, so my name is methoxymethane. ठीक है, आप y'all tell me the name of this one, CH3 CH2O CH2 CH3, is it symmetrical unsymmetrical? Symmetrical. And what will be its name? Ethoxyethane. Perfect. इट इज एन इथॉक्सी इथेन। ओके अब बेटा, अब हमारे पास मान लो मैंने दे दिया CH3O CH2 CH3, अब क्या नाम होगा इसका? शाबाश, इट इज अ मिथॉक्सी इथेन। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये ऐसे है CH3, ओके ओ CH2CH के पास एक OH है और ये CH3 है, अब कैसे नाम दूंगा इसका? one methoxy two hydroxy, ये तो सही है, one methoxy सही है, one methoxy exactly propane to all। अब यहाँ पे इट विल कम बिकॉज और कोई तो सफिक्स है ही नहीं, तो प्रोपेन टू ओल आ गया। ठीक है, द व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यहाँ पे ओ सी एच थ्री आ गया तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनिसोल। शाबाश, एंड व्हाट इज इट्स IUPAC नेम ऑफ एनिसोल, व्हाट इज द IUPAC? मिथॉक्सी, या मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, सो इज द IUPAC अ लिटिल दैट रिफ्रेश्ड ना?
नॉट येट रिफ्रेश्ड. सी ऑल सो साइलेंट, आई थॉट हुआ नहीं है अभी. अब तो जल्दी से ये 10 के जल्दी से जल्दी 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 इसके आप लोग जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ. मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं. गेट इट? पीपल हु आर डूइंग इट, प्लीज कीप ऑन डूइंग इट. यू कैन चेक इट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इट. सो इट इज़ अ ब्यूटेनॉल. 1, 2, 3, 4, 5. सो इट इज़ अ 2-butanol. And on carbon number 2 only there is a methyl, CH3. So it is a CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, no hydrogens here because of 5 carbon ho gaye. Are ek gayab kitna padega? Yes, 5 ho gaye. I am so sorry. Yes, we have a pentanol. So we erase this one and we make this 2 into a 3. Ab theek hai? Check guys, ठीक है? Yes sir. Okay, now hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक नंबर पे ओल, तीन नंबर पे ओल, पांच नंबर पे ओल, तीन नंबर पे मिथाइल और पांच नंबर पे भी मिथाइल. So this will become a CH3, a CH2. यहाँ पे कुछ भी नहीं होएगा. CH2 कुछ भी नहीं होएगा. CH3. तो चेक करें, फर्स्ट वाले कार्बन में H2 आएगा. वेरी गुड. ओके, सो पीपल आर अवेक. वेरी गुड. आई एम द वन हु इज स्टिल अस्लीप ना. सो द फिफ्थ वन इज इथॉक्सी प्रोपेन. सो CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3. Now check if I'm awake or not. Yes, sir. Sahi. Ab methanol. So C ke saath OH aur cyclohexyl. To usi pe humne hexagon bana diya. Ab upar bana do, niche bana do. 12th mein pahunch chuke ho. Aapko pata hai kahin pe bhi bana doge chalega. Upar hydrogen, niche hydrogen. So it becomes a cyclohexyl methanol. साइक्लोपेंट 3-in-1-ol. सो हमारे पास पेंटागन बन गया. पेंटागन के एक नंबर कार्बन पे OH आ गया और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड. सो साइक्लोपेंट 3-in-1-ol. अब आते हैं इधर वाले पे, हमारा 1-phenyl-propane-2-ol. सो इसको थोड़ा और नीचे करते हैं. ओके, सो प्रॉप 1, 2, 3 कार्बन एक नंबर पे फिनाइल. फिनाइल मतलब बेंजीन पे गोला, ओ सॉरी हेक्सागन पे गोला और उसके बाद से प्रोपेन पे 2 नंबर पे ओल. अब मुझे बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2. सेकेंड कार्बन पे 1, क्योंकि ओ एच आ गया वहां. तो ठीक है, एक बॉन्ड पे ओ एच आ गया. अब ये लास्ट वाले पे 3. ओके, नाउ फिनॉल. फिनॉल हो गया बेंजीन, हेक्सागन पे गोला. सो ये हो गया फिनॉल. अब 2 नंबर पे इथाइल है C2H5 एंड 3 नंबर पे भी इथाइल है C2H5. अब बेटा आप C2H5 लिख लो या CH2CH3 लिख लो, इट मींस द सेम थिंग. एंड इनफैक्ट इन सम ऑफ द बुक्स यू विल सी इथाइल इज रिटन एज ET ऑल्सो. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इट मींस वन एंड इट इज द सेम थिंग. सो यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. नाउ द सिक्स्थ वन इज 2-ethoxy-3-methyl-pentane. सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड 3 नंबर पे मिथाइल CH3 एंड 2 नंबर पे इथॉक्सी. So OC2H5. Again, I have written it as OC2H5. But you can write it as what? OCH2CH3. Now tell me, how many carbons here? Oh, sorry. How many hydrogens here? So 3. 3. How many hydrogens here? 1. How many hydrogens here? 7. How many hydrogens here? 2. And how many hydrogens here? 3. Okay. So we are fine with it. Now we are at 3-cyclohexylpentane-3-ol. So again, 1, 2, 3, 4, 5.
तीन नंबर पे साइक्लोहेक्साइल मतलब हेक्सागन विदाउट एन अंडा एंड एन ओल इज एन ओ एच. अब इसमें कितने हाइड्रोजन? थ्री. नेक्स्ट वाले पे? टू. नेक्स्ट वाले पे? जीरो. जीरो. नेक्स्ट वाले पे? टू. एंड नेक्स्ट वाले पे? थ्री. शाबाश, आई एम सो हैप्पी नाउ. ओके, नाउ वी हैव ब्यूटेनॉल. वन टू थ्री फोर. चार नंबर पे क्लोरीन आ गया, तीन नंबर पे इथाइल आ गया C2H5, और एक नंबर पे ओल आ गया. अब कार्बन नंबर वन पे, लेट्स सी इफ आई एम राइटिंग इट करेक्टली, H एंड एन H2, करेक्ट है? नाउ एवरीबडी इज फाइन विद दिस? यस. परफेक्ट. सो आप लोग, हाँ जी बेटा. साइक्लोहेक्सेन उस समय लिखेंगे व्हेन इट इज द रूट नेम. ब्रांच में होगा तो YL आ जाता है. जैसे ये देखो, डिफरेंस इज लाइक दिस. ये क्या है? मिथेन. अगर यही एक कार्बन वाला ब्रांच बन गया तो इट विल बी नोन एज व्हाट? मिथाइल. सो व्हेन इट लूजेज अ हाइड्रोजन एंड कम्स इन द ब्रांच, देन इट इज नोन एज अ मिथाइल. Otherwise, it will be known as a methane. So, it is the same with cyclohexyl. Agar iske sare hydrogen intact hai, so this will be known as a cyclohexane. But if it loses a hydrogen and comes in the branch, then it will be known as cyclohexyl. Theek hai? Shabash. Okay. Ab hai mazedar kaam. ये वाला तो बहुत इजी होता है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना. अब आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर से नाम बनाना है. तो चार हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं. लेट्स टेक ओनली 3 मिनट्स टू डू इट. सो लेट्स लुक एट इट. ओके, सो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं नाम, देखते हैं. ओके, अभिनव, पहले वाले का नाम क्या होगा बेटा? फर्स्ट वन. अंजलि, अश्वथी. सर 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3. शाबाश. ओके, 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल. ओके, पेंटेन एंड अ 3-ol. शाबाश, वेरी गुड अश्वथी. ओके, आयुष बेटा सेकेंड वाला. ओके, ट्राई क्या का? ये सेकेंड वाला बेटा. शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is a 5-ethyl. Okay, and then root name में heptane. Okay, and इसमें E आ जाएगा and it will become a 2,4-diol. Okay, now let's go to चारू बेटा third one. So butane 2,3-diol. शाबाश, ब्यूटेन. अब इसमें भी ई आ जाएगा, 2,3-diol. शाबाश. देन वी गो टू करण बेटा फोर्थ वाला. ओके, प्रोपेन. अब बेटा हाँ, ओके, फॉर एवरीवन, ओके, प्लीज रिमेंबर वे टू पुट द ईज, वे नॉट टू पुट द ईज, where the gap should be there, where the gap should not be there, where the dashes could come, okay? Because for every small thing, aap apne naam ko change karna pasand nahi karoge. So in the same way, you cannot twist the name out here, okay? Jo jis tarike se naam likhna hota hai, jaise kisi ka naam A-S-T-H-A hota hai, kisi ka naam A-A-S-T-H-A hota hai, okay? Kisi ka naam A-A-L-I-A होता है,
किसी का नाम ALIA होता है, किसी का नाम AALIYA होता है, किसी का नाम AALIYAH होता है। अब इस नाम वाले को अगर मैं इस नाम से लिखूंगा तो पक्का ये गुस्सा होगा ही होगा। सो द सेम थिंग इज विद द IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर। जनरली बोर्ड्स में क्या होता है कि द टीचर्स आर फाइन, थोड़ा बहुत इधर उधर एरर होगा तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर घर पे झगड़ा हो के आए हैं और आपका पेपर चेक करने के लिए उस टाइम पे आ गया और गलती से आपने ये ना डाला हो तो वो उनको एरर दिखेगा और क्या होगा कि शायद वो नज़रअंदाज ना करे, आपके मार्क्स काट ले। इसके लिए सर्कल नहीं करना है। सर्कल तो मैंने दिखाया कि अगर आपने ये डैश लगाना भूल गए, मान लो आपने ये डैश नहीं लिखा, ठीक है, तो जनरली तो टीचर्स दे देते हैं मार्क्स, स्कूल में नहीं देंगे, स्कूल में तो पक्का नहीं देंगे, लेकिन बोर्ड हमारे एग्जाम में आते सर वो कुछ जो सही भी देना सर को भी डैश नहीं लगाते, तो मैम ने बोला सर और फॉर्म में तो सर मैम ने बोला कि अवॉइड करना। एग्जैक्टली, बिकॉज़ इन बोर्ड्स इफ द टीचर इज नॉट इन अ गुड मूड दे कैन कट द मार्क्स फॉर इट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फोर पे। तो ये फिनॉल वाला पार्ट है, ये तो एक मिनट में हो जाएगा, एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। ओके, सबसे पहला चलो करण ही बता दो। सर पहला है, मैंने जो लिखा है 1-methoxy-2-methylpropane। वेरी गुड, 1-methoxy, ओके, 2-methyl और क्या कहा, प्रोपेन। वेरी गुड, यही है आंसर इसका। ओके, द 10th वन आयुष, शाबाश, यस इट इज इथॉक्सीबेंजीन। ओके, इट इज इथॉक्सीबेंजीन। ओके, देन वी गो टू अश्वथी बेटा, द 11th वन फिनॉक्सीहेप्टेन, परफेक्ट। एंड अंजलि 12th वाला, ओके, हु वांट्स टू गो अहेड विद द 12th वन? हाँ बोलो, आई शाबाश, यही देखना चाहता था कितने लोग ना ये वन कार्बन को ना CH3 को वो ले लेते, ब्रांच में ले लेते। सो इट इज नॉट अ ब्रांच, द लॉन्ग चेन इज 1, 2, 3, 4, सो इट इज बेसिकली 2-ethoxybutane। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया गया था। यू कुड हैव रिटन इट लाइक दिस ऑल्सो एंड इट बिकम्स अ OCH2CH3। अब देख लो, इट इज लाइक दिस 1, 2, 3, 4, सो 2-ethoxybutane। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। मतलब बेसिकली इट विल बी व्हाट, C5H12 का मतलब एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, एल्केन है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली पेंटेनॉल, पेंटेनॉल के, जल्दी से 3 मिनट दे रहा हूं। पिछले क्लास में हमने ये कहां किया था, ये नहीं करा था, बट सर एक जो हमने ऐसी करा क्वेश्चन, उसमें 5 आइसोमर CH3CH2CH2CH2CH2OH, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। सेकंड वन CH3CH2, अच्छा माय वीडियो इज ऑन, दैट इज व्हाई द पेन इज रनिंग हियर एंड देयर। Okay, and then we have a CH2CH CH3 and an OH. Then we have a CH3CH2CH and then a CH2CH3 and an OH. Ab next wala mein ek hamara CH3, okay, yahi pe hum isko ek aur CH3 kar de, ek OH yahan pe kar de, 1, 2, 3, 4, 5, ओके CH3।
नेक्स्ट वाला हो जाएगा CH3CH एंड देन CH3 एंड देन OH एंड अ CH3। और कुछ बन रहा है गाइस? मेरे ख्याल से इतने ही बन रहे। नहीं नहीं बनेगा, अभी तो और बनेगा। वी कुड हैव दिस, वी कुड हैव दिस आउट हियर। वेट वेट वेट, वी कुड हैव द CH3, ओके, एंड देन अ CH3 CH2 एंड अ CH2OH, ये बन जाएगा। एंड इसमें इसमें और बस इतने ही बनेंगे मेरे ख्याल से। चेक करें, ये भी बन सकता है CH3 एंड CH2OH। और एक और कौन सा बताया बेटा आपने? सर 2-methylbutanol। 2-methylbutanol ये हो गया, कार्बन 1 कार्बन 2। अच्छा, ये 3 हो गया। यस, सो वी शिफ्टेड देयर। यस CH2CH एंड अ CH3 एंड अ CH2OH। सो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, राइट? यस परफेक्ट। सो नाउ गाइस गो अहेड। पहला वाला, इसको हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अकॉर्डिंग भी बताना था, तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? Primary. What is the second one? Secondary. Third one? Secondary. Fourth one? Fourth one is tertiary. Tertiary. Fifth one? Secondary. Sixth one? Primary. उसके नीचे वाला? ये हमारा primary. Primary and the last one? Primary. शाबाश। अब आज मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को सारा का सारा रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स कंपाइल करके आप लोगों को एक पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा। आपका काम ये होगा कि कम से कम आज से लेके संडे सुबह तक आप उसे सिर्फ 5 बार देख लोगे, सो यू नो वेयर द थिंग्स आर, सो दैट व्हेन वी आर डूइंग द रिएक्शंस द मैकेनिज्म्स एंड द कन्वर्जन्स ऑन संडे वी शुड नो where to look for the things. Okay, तो आज के लिए यहीं पे इतना ही। टेक केयर, bye bye, see you. Thank you, sir. Pleasure, guys. Pleasure. Yes, बेटा। Sir, I have a doubt. Yes, बेटा, कहिए।